क्या दिलावर भाई, आप मेरी सास की लाश देखने आ रहे हैं? पर वो तो मर गई ना भाई, क्या आपको बड़ी अकड़ू है, वो तो आपको हेलो हाय भी नहीं करेगी। पहले इतनी अकड़ू थी, अब क्या हेलो हाय करेगी आपको? खुद अकड़ गई है। 15 मिनट में आ रहे हैं आप, बेड़ा कर। अब मैं तेरी जल्दी लाश कहाँ से लेके आऊँ? तेरी माँ आने वाली दिलावर सिंह, तेरा बाप आने वाला दिलावर सिंह, मेरी जान पे बनी पिस्तू तेरे विलंब पिचकारी कर रही है। मैं तो पछता रहा हूँ उस दिन की घड़ी को जिसने इसके गंजे बाप को मैंने शादी के लिए हाँ की थी। मेरे पापा गंजी नहीं है, थोड़े बहुत बाल है। जिन खेतों में दो गन्ने उगते ना, वो खेत भी बंजर ही कहलाते हैं। इतना खटिया ना इसका बाप, उस दिन के घर में गया ना मैं, बाथरूम में पेस्ट कर रहा था, नकली दांत दे ले, बेटा इस पे भी पेस्ट लगा दे। हमारे घर में पेस्ट खत्म हुई है। आपको शर्म नहीं आती एक क्रांतिकारी आदमी के बारे में ऐसा कहते हुए? बहुत बड़े क्रांतिकारी थे भाई, इनका बाप और एक खुदी राम बोस, दो क्रांतिकारी थे, दोनों ने सोचा देश बदलेंगे। उसने देश बदल दिया, इसके बाप ने आज तक कच्चा नहीं बदला। बहुत इंटेलिजेंट है, आइंस्टाइन और इसका बाप साथ में पढ़ते थे, बड़े इंटेलिजेंट है। इसके बाप का दिमाग देख लो, उस दिन सड़क पे खड़ा फिल्म देखने का दिल किया, कहता भाई साहब कोई अंधे को फिल्म दिखा लो, मांगना शुरू कर दिया। शर्मा जी, इनफ इज इनफ। ए सुनो, ए हेलो, सुन ना मेरी बात सुन, तेरा सुहाग खतरे में है, तेरा सिंदूर खतरे में है। बेवकूफ डंब और देखा, उसी आइंस्टाइन की बेटी है ना। सुनो, क्या है? आज मेरी जान खतरे में है, मेरे को कोई भी दिलावर गोली मारने आ रहे, 2 मिनट के लिए लाश की एक्टिंग कर ले प्लीज। क्या लाश? मैं नहीं, मुझसे नहीं होती एक्टिंग वैक्टिंग, वो तो सबको पता नहीं होता। शट अप, देख कुछ खास नहीं करना तुझे, लाश बनना है, जैसे खड़ी खड़ी आती है ना तू, तो लाश ही है, ऐसे लेट जा बस। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी सहेलियों के साथ गोवा जा रही हूँ पार्टी करने। गोवा जा रही तू? मुंह तेरा चिरापुंजी जैसा, गोवा क्या करने जा रही तू? मोमबत्ती जैसा मुंह के केक में घुसा देना। तुमसे ना बात करना बेकार है। तुमसे तो बात करना बड़ा फायदेमंद, तुमसे जब बात करते गवर्नमेंट 1500 रुपए देती है भाई, तुमने अपनी बीवी से बात की, चलो 1500 रुपए। बिल्कुल सही है। क्यों कम है? पीएम से कम क्यों, प्रॉपर पीएम है, परमानेंट मंगता है साला। परमानेंट मंगता। शादी वाले दिन पता मेरे को क्या कहता है? शादी वाले दिन इसका बाप मेरे को क्या कहता है? कहता भाई साहब हमने आपको अपनी बेटी दी है, बदले में हमारा बिजली का बिल दे दो। ये शर्मा जी, इनफ इज इनफ, मैं जा रही हूं, शाम को मिलूंगी। शाम को तो तब मिलेंगे, दिलावर मेरे को छोड़ेगा तो दिलावर को मिल लूंगी। मैं क्या कि बार बार दिलावर फोन कर रहा है मेरे। हेलो, हाँ जी दिलावर भाई, पायला हूँ। क्या आप मेरे घर तक पहुंचने वाले हैं? भाई मैं जरा थोड़े से काम से सिंगापुर आया हुआ हूँ। हाँ स्कूटर पे तो घूम रहा था, लेकिन भाई रोड ही आया हूँ ना। चलिए मैं यू टर्न मार के आता हूँ फिर। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ भाजी, लाश किसको बनाऊँ मैं, समझ नहीं आ रहा। दादी, बुआ को बना दो, बुआ को, बुआ, ए बुआ। हाय हाय, क्यों बुला लिया मुझे? इतने अच्छे पत्ते आए थे। पत्तों को मार गोली बुआ, देख मेरी जान फंसी हुई है, 2 मिनट के लिए तेरे को लाश बनना नकली, ठीक है, बन जाएगी। हाय, लाश? सिद्धू जी, अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई, पहले मैं शादी कराऊंगी, 25-30 बच्चे पैदा करूंगी। 25-30 बच्चे, तेरे को फैमिली बनानी का पोल्ट्री फार्म खोलना, तेरा दिमाग नहीं खराब। काश मैं मुर्गी होती तो पूरे का पूरा पोल्ट्री फार्म खोल लेती। मुर्गी 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 बनना आसान नहीं है, बैक टू बैक 4 अंडे देने पड़े ना, तो बिपाशा जैसी फिगर ना बप्पी लहरी जैसी हो जाती, तेरे को पता नहीं है। बैक टू बैक मुर्गे को इतना तू सही मत समझ, मैं तेरे को सारी रात सोते नहीं, सुबह 4 बजे उठ जाते। और तुम बुआ, मैं तेरे को सही बात बता रहा हूँ, देख ये जो बंदा मेरे को धमकी दे रहा ना दिलावर, ये बंदा है कवारा, लेकिन तेरे को बता रहा हूँ है बदमाश, लेकिन है कवारा। अब तू लाश बन के लेट जा, हो सकता है उसको पसंद आ जाए तू, तेरे से शादी करना। पर एक बात बता, लाश उठ के शादी कैसे करेगी? यार बोल देना उसको कि आपको देख के मेरी लाश में जान आ गई, उसमें क्या है यार, बनना 2 मिनट। नहीं 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 नहीं, पिट्टू पहले मुझे सोचने दे, मुझे
लाश बनना है कि नहीं। हाँ इतना टाइम भी मत ले लेना कि दिलावर मुझे ही लाश बना के चला जाए। साजी, साजी, साजी। क्या हुआ? अंदर, अंदर लाश पड़ी हुई है। क्या बात कर रहा है? दे ताली, किसकी लाश पड़ी है? चूहों की। तुम्हें की लाश कहां से आ गई? हमारे घर में तो जहर ही नहीं है। जहर से नहीं, भूख से मरे हो भाई। ये तो कुछ भी नहीं, ये हमारे जो घर की चींटियां ना, वो भी पड़ोसियों के यहाँ शिफ्ट हो रही हैं। सबके सामने हमारी पोल खुल रहा है, सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुझे लाश बनना पड़ेगा। क्या साहब जी? पाजी, मैंने इनको कल बताया है कि जेल में दो टाइम का खाना फ्री होता है, वहां पर जाने के लिए आप मेरा कत्ल करेंगे? मेरी जान फंसी हुई है, दो मिनट लाश बनने की एक्टिंग कर ले, तेरा क्या जाएगा? अच्छा, एक्टिंग करनी है? हाँ। साहब जी, मुझे ये बताओ मेरे डायलॉग्स क्या क्या होंगे? लाश के डायलॉग। तेरी माँ लाश कौन सा बोलती है बे? तेरे को डायलॉग चाहिए? हाँ। तेरी माँ? तेरा डायलॉग है आ, उसके बाद तुझे मर जाना है। अरे यार, मेरी जान खतरे में यार, तेरे को डायलॉग की पड़ी, तेरा दिमाग तो नहीं खराब तेरा? नहीं नहीं साहब जी, मैं ऐसे हाँ नहीं कर सकता। एक्चुअली पता क्या चक्कर है, ये मेरा फर्स्ट डेब्यू लाश बनना है ना मैंने, इसलिए मैं हाँ नहीं कर सकता। आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपको सोच कर बताता हूँ मैं लाश बनना करने। यार दो मिनट, तेरा मालिक फंसा हुआ, मेरी मदद नहीं करेगा? चलो ठीक है, फिर मैं लाश बन जाता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे भाई के सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तेरे को पैसों की पड़ी है? दिलावर मेरे को गोली मारने आ रहे हैं। अच्छा, आपको गोली से डर लगता है? तुझे नहीं लगता? साले डर के मारी तेरी आवाज निकल नहीं रही, कर गोली से डर नहीं। देख, पैंट पी ली। गोली से मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन कह रहा डॉक्टर कहता खाली पेट गोली खानी चाहिए, तो इसलिए बन जाना तुम्हारी लाश। साहब जी, मुझे आप एक बात बताइए, आपका अगर पेट खाली रहता तो इसको किराए पर क्यों नहीं चढ़ा देते आप? बदतमीज आदमी। इतना क्यों पीती है तू? मैं तो इससे भी ज्यादा पी लेती बिट्टू, लेकिन मोया दारू वाला इससे ज्यादा उधर देता ही नहीं। चिक्की, मेरी छोड़। हाँ। तू बता, तू टेंशन में क्यों लग रहा है? दादी मैं बड़ा फंसा हुआ हूँ, देख दिलावर है ना उधर, गुंडा हूँ, मेरे को गोली मारने आ रहा है, मेरे को एक सास चाहिए, लाश चाहिए, सास की लाश चाहिए। पहले डिसाइड कर तुझे क्या चाहिए। हिचकी मुझे। देख दादी मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे लाश चाहिए, मैं तेरे को बताता हूँ, देख। अच्छा, अब समझी। मना कर दिया मैंने। दादी तू समझ रही है, अगर तुम्हारी बात नहीं मानी ना, दिलावर आ गया मेरे को गोली मार देगा। दिलावर आ गया दादी, आखिरी बार गले मिल ले दादी। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, आ गया तेरा बाप, आ गया बार। ये देखो पाजी, लोगों के घर में घंटी बजती है, लोग खुश होते हैं, ये पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता। अबे कौन है बे? ये भाई, हम जहां से गुजरते हैं इलाका हिला के रख देते हैं, और बेक कहने वाले की जबान काट के कुत्तों को खिला देते हैं। तो भाई बराबर बोला ना? भाई बराबर बोला, बिल्कुल ठीक बोला तुमने। खुदा बाहर निकली चुकिया, ना लायक नहीं खलनायक हूं मैं। बिट्टू किधर है? ऐसे नहीं बताना, वॉल्यूम ऊंचा करो पहले। दादी की लाश के पास है। हाय मेरी सास मर गई। हाय मेरी सास मर गई। चिकी। ये। भाई को बेवकूफ समझता है क्या? वो सिर्फ शक्ल से येड़े दिखते है नहीं। तेरे नौकर से मैं पता चल गया कि
मत जा तू। नहीं, मैं ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ, मेरी बात सुनो। एक्चुअली क्या है, मेरी सास जो है मरी है, इसकी दादी मरी है, मेरी सास इसकी दादी है, इसकी दादी मेरी सास मर गई है, तो ये मेरे दूर का नौकर है। ये दूर का नौकर होता बाथरूम में जाकर टपका, इधर टपका, बहुत लोग मरेंगे। एंजॉय क्यों कर रहे हैं? ओए, तुझे क्या पता सांस मरने की खुशी क्या होती है? तेरे को किसी ने लड़की नहीं दी ना कभी? मैं तो खुशी में बोतल भी साथ लाया हूँ पूरी। कौन लाया बोतल? ओए, भाई, भाई ये कौन बोला? लाश बोली। डेथ के बाद भी कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी जिंदा रहती है ना, तो जुबान 12 घंटे तक जिंदा रहती है, तो ये तो वैसे भी औरत है तो। एक बात बताओ जी, इसकी तो सास मरी है खुश हो रहा है, तेरी तो दादी मरी है तू क्यों नहीं रो रहा? दादी मुझको अपने साथ ले जाओ दादी। भाई, भाई लगता है ये बिना दादी के जी नहीं पाएगा, इसको भी दादी के साथ भेज देते हैं। नहीं नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं थी। चली जाती थी बेवड़ी है। और क्या, पतली बोल बोल लेना उतार था जी, इतनी भी अच्छी नहीं थी और क्या। नहीं भाई, मुझे लगता है इन्होंने दादी को लाश बना के रख दिया इधर ऐसा। ऐसा है तो फिर दादी को बुलाओ, दादी को बुलाओ। बुला बुला, दादी को बुला, नहीं तो टप। एक मिनट भाई, पहली बार घर है, गले मिला भाई को भाई। गले? आपको दादी से मिलना, दादी आ गई मेरी। दादी दादी तेरे को पता नहीं है कौन है? मेरी मेरी सास मर गई। अरे दिलावर, तू दिलावर है? हुआ तो भी क्या उखाड़ लेगा? इतना बदतमीज हो गया तू, बड़ों से ना सलाम ना दुआ ना पैर छूना, और इतना बड़ा हो गया है, बड़े बुजुर्गों के सामने दारू पीता है? ला बोतल। दादी, मेरी सास मर गई है। अच्छा हुआ मर गई, सुखड़ी मिल गई की। बहुत हैरान कर रखा था उस पोपली ने। भाई, ये दादी तो लाश को सुखड़ी बोमबिल बोल रही है, लेकिन मैंने देखा था लाश तो अच्छी खासी थी। अरे वो मैं थी ना। मैं ही थी जिसने उस सुखड़ी बोमबिल को खिला पिला के सुरमई मच्छी बना दी थी। तगड़ी, संभाल लिया बिट्टू, संभाल लिया। एक मिनट भाई,
ये बुआ कहाँ गई? बुआ कहाँ गई? और जहाँ तक मुझे याद है यहाँ से कोई कहीं नहीं गया है। तो बुआ कहाँ गई भाई? तेरे को क्या पता कौन कहाँ गया? एक साल से टॉयलेट नहीं गया, तेरे को क्या पता? मुझे बड़ी सारी कंफ्यूजन हो रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चला ए बिट्टू, बुआ और दादी को एक लाइन में खड़ा कर। चल ठीक है, बुआ को दिखना है, तू भी जरा उसके लिए गले तो मिल। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ। भाई भाई, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ लेकिन गोली नहीं खा सकता। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, मैं जा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। बाय 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 बाय। चाचू करके गोली वाला तू भी क्या? पुलिस ने घेर लिया, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मुझे प्लीज बताओ मैं क्या करूं? ऐसा करो, आप लाश बन जाओ। हाँ, तभी बचोगे। मैं लाश बन जाऊं? हाँ। ये कौन सा तरीका हुआ? क्यों, जब हम लोग बन सकते हैं, आप नहीं बन सकते लाश? तुम लोग झूठ बोल रहे हैं। देखो पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ओए, तू झूठी पुलिस! मुझे गोली मत मारना, देश को बड़ा नुकसान होगा। मैं बहुत बड़ा एथलीट हूँ। भेज गई ना आपको। मैं कहता हूँ झूठा है तू। मैं कहता हूँ आप गोली चलाओ, एथलीट भागते गोली चलाते ना। हाँ वो तो है। आप गोली चलाओ, मैं बाकी दिखाता हूँ। नहीं तू एथलीट नहीं है यार, नहीं तू झूठ बोल रहा है। गोली चलाओ आप। चल तेरे को चेक कर लेते हैं। ये दो गोली नहीं चलाते, आपने गलत चलाई है। गोली चलाते तीन नहीं चलाते, एक गोली चलाते हैं। छह चल गई। क्यों मैं बहन के ठुल्ले? गोली मार रहे थे मेरे को। मेरी बात सुनो, किसी दिन कर लेते हैं। गोली मारेगा साले।